हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी को मिला सियोल शांति पुरस्कार। गुजरात दंगों का खुलासा करने वाली राणा अयूब बोली किस लिए। नरेंद्र मोदी ज्यादा विदेशी दौरे करने के लिए प्रसिद्ध भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस बार वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। संभवतः ये उनका आखिरी विदेशी दौरा है। कोरिया ने पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के साथ पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं जिसे ये पुरस्कार मिला है। लेकिन देश में लोग पूछने लगे हैं कि अचानक से पीएम मोदी को ये पुरस्कार कैसे मिल गया, वो भी शांति के लिए। पत्रकार राणा अयूब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार दिए जाने पर पूछा है कि पीएम मोदी को किस लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। एक बात जानने वाली है कि पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार मिला है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को सियोल पुरस्कार समिति ने भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में उनके योगदान को मान्यता देते हुए और अमीर और गरीब के बीच सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करने के लिए पुरस्कार दिया है। संस्था ने भी यह कहा है कि पीएम मोदी की विशिष्ट आर्थिक नीतियों, मोदीनोमिक्स का श्रेय और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि, विश्व शांति, मानव विकास में सुधार और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। ये हैरान करने वाली बात है कि पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार तो जरूर मिला है, लेकिन सवाल है भारत में शांति कहाँ है। जम्मू कश्मीर में लोग रोजाना मारे जा रहे हैं। गाय के नाम पर अखलाक और पहलू खान की लिंचिंग कर दी गई है। नोटबंदी करके एटीएम की लाइनों में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। फिर दक्षिण कोरिया ने किस आधार पर पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा है। रही बात लोकतंत्र को मजबूत करने की, तो लोकतंत्र मजबूत विपक्ष से होता है जो सरकार की आलोचना करते हुए उसको आईना दिखाता है। मोदी सरकार और भाजपा के राज में तो विपक्ष को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। मोदी सरकार में अपने ही देश में सैद्धांतिक संस्थानों को खत्म करने का भी आरोप लगता रहा है। सीबीआई, चुनाव आयोग के मामले इनमें से एक हैं। वैसे बता दें कि पीएम मोदी से पहले 14 लोगों को सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कार पाने वालों में से संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कॉफी अन्नान, अंजेला मर्कल और ऑक्सफैम जैसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठन शामिल है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।